तो गाइस इस कंपनी का नाम है एल्वर बैट। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं इस बैट का लुक। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे और अच्छे बने रहना। तो जैसे गाइस आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने से पहले गिव अवे के बारे में बात कर लेते हैं। गिव अवे अभी तक नहीं आया है, गिव अवे इसके बाद वाली वीडियो में आएगा। इसमें होगा बैट रिव्यू। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही होगा कि क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो गाइस हाँ, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कश्मीरी विलो बैट कैसे खरीदना है ऑनलाइन, और जब आप बैट खरीदते हो तो उसमें क्या क्या आपको देखना चाहिए कि वो बैट बहुत अच्छा है या फिर ख़राब है। तो उस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। और हाँ, इसके बाद ही वो आएंगे वो बैट, क्योंकि मैंने बैट्स मंगा लिए थे बट मैंने सोचा उसका रिव्यू कर दूँ एक कि आप लोगों को पता जाएगा उस बैट को यूज़ कैसे करना है और वो है कितने का एग्जैक्टली। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे, आइए। तो गाइस पहले हम लोग बात करेंगे इस बैट का जो कि है कश्मीरी विलो। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि इसके ऑनर ने हम लोगों को ये बोला हुआ है कि ये हार्ड हिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा सही बैट है, क्योंकि इसका ग्रिप इसी तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि हार्ड हिटिंग में अच्छे शॉट हो पाए ताकि पावर जनरेट हो पाए। तो उसी का हम लोग पूरा टेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि आप लोगों को ऑनलाइन बैट परचेस कैसे करना है। क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि वो लोग बैट मंगाए कैसे, क्योंकि क्या पता बैट का साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, कौन सा साइज़ मंगाना चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए जब आप ऑनलाइन बैट मंगा रहे हो। तो इसलिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो चलिए गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते, इसका हम लोग चीड़ फाड़ करके रिव्यू करेंगे। तो गाइस ये वो दूसरा बैट है जिसका मैं रिव्यू करने वाला था। इससे पहले मैंने एक रिव्यू करने के लिए दूसरा बैट गलती से मैं लिया था, जो कि मैंने गिव अवे के लिए मंगाया था, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा अभी। जी हाँ, वो गलत था, ये ओरिजिनल बैट है, इसी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए इसे फाड़ते हैं पहले। तो गाइस पहले बात करते हैं सिर्फ पैकिंग के बारे में। पैकिंग बहुत सही है, क्योंकि देखिए गाइस पैकिंग इसलिए सेफ होनी चाहिए क्योंकि अगर आपके पास बैट टूटा फूटा है, हल्का सा भी कहीं टूट जाता है, क्रैक पड़ जाता है, तो हल्का उसमें बॉल लगेगी लेदर की तो टूट जाएगा। इसलिए पैकिंग बहुत ज़्यादा मेन होती है जब ऑनलाइन बैट मंगा रहे हो तो पैकिंग अच्छी है। तो गाइस इसका जो बैट कवर है वो बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी का है, ऐसा लग नहीं रहा कि इसे फटेगा। क्योंकि इससे जो पहले मैंने बैट मंगाया था उसका थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब था, बट इसका जो बैग है क्वालिटी बहुत सही है। अब बात करते हैं बैट की। तो देखिए इसका बैट का जो सही में जो उन्होंने बोला था सही बोला है, इसका जो ग्रिप है वो अलग डिज़ाइन से बना हुआ है, गोल नहीं है, ठीक है, ऊपर देखिए ज़्यादा पतले में है और नीचे देखिए थोड़े मोटे में, जो कि कंफर्टेबल है पकड़ने के लिए, हार्ड हिटिंग के लिए सही में बहुत सही बैट है ये। और इसका जो देखिए बैट का जो कलर है बहुत प्रीमियम है, लुक बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। तो गाइस अब बात करते हैं इस बैट की ग्रिप की। तो देखिए गाइस इस बैट की जो ग्रिप है वो क्वालिटी यूज़ करी गई है रबड़ की, ठीक है, रबड़ इसलिए यूज़ करा गया है ताकि आपके हाथ से फिसले ना, जो कि बहुत सही है। दूसरी क्वालिटी इसमें ये है कि ये शॉक प्रूफ है, ठीक है, जो एक बात होता है ना कि जब आपको बॉल आ रही है और आपके मेडल पे ना लगे, एच पे लगे, तो जो होता है बैट वाइब्रेशन पे हो जाता है, थोड़ा झंझना जाता है, इसमें वो कम होगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं ग्रेन्स की, क्योंकि ग्रेन से ही पता चलता है कि बैट है कैसा, शॉट खेले है कैसा। तो इसके जो बैट जो ग्रेन्स है वो इंग्लिश विलो की तरह क्लियर है ऑलमोस्ट। देखिए गाइस आप लोगों को भी दिख रहा होगा, तो ऑलमोस्ट इसके जो ग्रेन्स है वो क्लियर हैं, ठीक है, काउंटिंग में भी सही ग्रेन्स है, 11 से 12 तक में बीच में है इसकी ग्रेन्स, जो मैंने पहले ही काउंट कर लिया है। सो ऑलमोस्ट अगर ग्रेन्स में देखा जाए तो ये बैट सही है। तो गाइस अब बात करते हैं बैट हैंडल की, क्योंकि क्या होता है अगर बैट हैंडल अच्छा हो तो आपकी बैट स्पीड अच्छी होगी, प्लेसमेंट अच्छा हो पाएगा, ग्रिप अच्छी हो पाएगी। तो हाँ, इसमें वो भी है, ठीक है, जो इसका डिज़ाइन हो रखा है, इसका जो मतलब बैट हैंडल है वो ऊपर से पतला है थोड़ा और नीचे से चौड़ा है, ताकि आप अच्छे से ग्रिप कर पाए। और हार्ड हिटिंग के लिए बैट इसलिए सही है क्योंकि क्या होता है इसके नीचे जो टो है, मतलब ठीक है यहाँ पर इसका वेट अच्छा खासा है ऊपर और नीचे बहुत कम है, तो इससे क्या होता है अगर बॉल यहाँ पर लगती है तो काफ़ी दूर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हाँ, इसका ये भी बहुत सही है। तो गाइस अभी हम लोगों ने बात करी इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, पूरा का पूरा वेट मास डिस्ट्रीब्यूशन का बीच में ही है, जो कि बहुत सही है हार्ड हिटिंग के लिए, लॉन्ग शॉट मारने के लिए सही है। तो अब बात करेंगे इसके वेट के बारे में। तो गाइस इसका जो वेट है 1150 ग्राम का है, जो कि एक आइडियल वेट है, बहुत सारे बैटों में जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग बैट है उनका ये होता ही होता है, ताकि लॉन्ग शॉट पड़ पाए। तो गाइस ये प्री नॉक बैट है, अगर आपको ये बैट चाहिए तो इसका जो प्राइस है वो 2290 रुपये का है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे जाके टेनिस बॉल और हार्ड बॉल के लिए भी बैट अवेलेबल है। अगर आपको इसका प्राइस रेंज सही लगता है, मेरे को लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है प्राइस रेंज, बट अकॉर्डिंग टू ये बैट देखने के बाद इसका जो प्रीमियम लुक है और जो शॉट निकलेंगे आगे जाके मैं बताऊंगा कि इसके बैट के शॉट कैसे निकल रहे हैं, तो जस्टिफाई हो सकता है। सो अब बात करेंगे हम लोग कि ऑनलाइन बैट खरीदते टाइम हम लोग को ध्यान क्या रखना चाहिए। तो गाइस अब बात करते हैं कि जब भी आप ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हैं तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए।
तो आप लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए कि उनका टर्म एंड कंडीशन और उनका एक्सचेंज पॉलिसी, अगर एक्सचेंज पॉलिसी सही है तो ही मंगाए, क्योंकि क्या होता है ना कि एक आपने कुछ मंगा लिया, एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है तो आप लोगों को वो चीज़ रखनी पड़ेगी टर्म एंड कंडीशन, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पे एग्री करा होता है, ठीक है। तो इसलिए एक्सचेंज पॉलिसी उनकी देख लीजिए, अगर वो लोग 7 दिन का रिफंडेबल करते हैं या 7 दिन में एक्सचेंज करते हैं या कितने भी दिन में करते हैं तो तब ध्यान करिए, क्योंकि क्या होता है अगर आपको बाई चांस मान लीजिए कि अच्छा नहीं लगा सामान, ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनका एक्सचेंज पॉलिसी रिफंड पॉलिसी देख लीजिए, तो अभी ये कुछ ना कुछ नया खरीदिए। तो देखिए अब बात करते हैं कि जब आप लोग ऑनलाइन बैट मंगाओगे तो आप लोग क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने बैट मंगाया और वो छोटा निकल गया लंबा निकल गया तो आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए आपके हाइट के अकॉर्डिंगली बैट मंगाइए, ठीक है। आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा, तो इसी चार्ट के अकॉर्डिंगली अपने हाइट के अकॉर्डिंगली आप बैट मंगा सकते हो। तो गाइस ओवरऑल इस बैट का एक्सपीरियंस मुझे बहुत सही लगा है, जितना मैंने इस बैट को देखा परखा है बहुत सही है। अभी मैंने इसे खेल के नहीं देखा, जब भी मैं इसे खेल के देखूंगा आप लोगों से इसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। इसका जो लुक है ना बहुत प्रीमियम है, देखो यार बहुत सही है। तो चलो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, और हाँ इसके आगे वाली वीडियो में मैं गिव अवे का अनाउंसमेंट जल्दी करने वाला हूँ, बैट सारे अपने पास आ गए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, धूप बहुत ज़्यादा है, वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना और क्रिकेट ज़रूर खेलना। कितना तेज़ बोला मैंने, बाय।